हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लिली प्लांट जो होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है। इनमें से कुछ वैरायटी के आपको नेम बताऊंगी और उनके प्राइस भी आपको साथ साथ बताऊंगी। कुछ प्लांट मेरे पास हैं वो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और जो मेरे पास नहीं है उसके फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आपको जो भी इनमें से प्लांट पसंद हो आप नर्सरी से ले सकते हो, या फिर आप इनके बल्ब को ऑनलाइन मंगा कर मार्च अप्रैल में बल्ब से भी इनको ग्रो कर सकते हो। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फर्स्ट आप मेरे सामने देख रहे हो अमायरलस लिली प्लांट। ये प्लांट जो है ये गर्मियों में फूल देता है। 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप इसको मिले आप ऐसी जगह पर रखिए। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 8750 तक मिलता है। अगर आप इसका छोटा प्लांट लोगे तो सस्ता मिलेगा, और बड़ा प्लांट तैयार लोगे तो महंगा मिलेगा। और अगर आप इसके बल्ब मंगाओगे तो वो आपको 40 से 50 रुपीज़ के ही मिल जाते हैं। इसके आपको कलर भी बहुत सारे मिलते हैं। पत्तियां काफ़ी चौड़े साइज की होती हैं, एक सिंगल स्टेम निकलता है जिस पर 4 से 5 फूल एक बार में ही खिलते हैं, गुच्छों में फूल खिलते हैं। और जो हमारे बल्ब वाले प्लांट होते हैं उनमें आपको सभी में पानी मीडियम डालना होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से बल्ब गल जाते हैं। सेकंड हमारा प्लांट है डेलिली। डेलिली प्लांट जो होता है ये आपको ज़्यादातर ऑरेंज कलर में ही देखने को मिलता है। इसमें भी इसी की तरह एक सिंगल स्टेम निकलता है जिस पर 5 से 6 फूल एक बार में खिलते हैं, गुच्छों में फूल खिलते हैं। आप इसे पूरा दिन की धूप में भी रख सकते हो, बालकनी गार्डन में भी रख सकते हो। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 60 से 80 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाएगा। इसकी पत्तियों का साइज काफ़ी बारीक होता है। आप इसके एक ही पॉट में 4 से 5 बल्ब लगाइए कुंडे टाइप के पॉट में, तो ये प्लांट देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर लिली प्लांट। स्पाइडर लिली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका फूल खिलता है, फूलों के चारों साइड जैसे स्पाइडर के जाला बना होता है, सेम इसी तरीके से आप इसका फूल देख सकते हो। और इसकी भी खास बात यही है कि इसके फूल भी गुच्छों में ही खिलते हैं। एक ही ब्रांच पर आपको कम से कम 8 से 10 फूल इसके दिखाई देंगे। इसके अलावा आप इस प्लांट को भी पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, और इसी के पास से इसके बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं। आप इन्हें मार्च अप्रैल में निकाल कर अलग अलग भी कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 8700 रुपये का नर्सरी में इजी से मिल जाता है। इसके भी कई सारे कलर भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके कलर लाइट ही होते हैं, डार्क कलर इसमें नहीं होता है। एक बल्ब आप नर्सरी से लाओगे तो उसके पास से बेबी प्लांट निकल के न्यू बल्ब खुद से ही तैयार होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैन लिली प्लांट। रैन लिली प्लांट का भी यही है कि एक बल्ब भी आपको कहीं से भी मिल गया तो ढेरों प्लांट आपके फ्री में आपके घर पर तैयार हो जाएंगे। और इसके कलर आपको कई सारे मिलते हैं। बस रैन लिली की एक खास बात ये है कि इस पर जैसे ही बूंदें पड़ती हैं तभी इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है, और इसके फूलों के कलर आपको येल्लो व्हाइट मिलते हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 40 से 50 रुपीज़ का इजी नर्सरी में मिल जाता है। इसके बल्ब जो होते हैं काफ़ी प्याज की तरह होते हैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना छोटे, बिल्कुल मीडियम साइज के छोटे छोटे बल्ब इसके होते हैं। और इसके फूल भी 1 से 2 दिन तक खिले रहते हैं एक बार खिलने के बाद। प्याज की तरह ही इनकी पत्तियाँ काफ़ी बारीक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल लिली। फुटबॉल लिली जो प्लांट है के जो स्टेम निकलते हैं उस पर सिर्फ एक ही फूल खिलता है, लेकिन फूल काफ़ी बड़े साइज का होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। प्राइस की बात करें तो 8700 रुपीज़ का आपको स्पाइडर लिली प्लांट मिल जाता है, और इसकी पत्तियों का साइज काफ़ी बड़ा होता है, बिल्कुल जैसे केला होता है, केले की पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं उसी तरीके से इसकी पत्तियों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके आपको कलर भी मिल जाते हैं। पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। मिनिमम 8 से 9 इंच का पॉट आपको इसके लिए रखना होगा। प्लास्टिक के पॉट में मत लगाइए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में मिट्टी जल्दी से नहीं सूखती है। नेक्स्ट है हमारा क्यूरकुमा लिली प्लांट। इसके फूल देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और हल्दी के पत्ते जैसे होते हैं, सेम
इसके पत्ते होते हैं और इसके फूलों के कलर भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इसके भी एक सिंगल स्टेम पर एक ही फूल खिलेगा, 2 से 3 दिन तक फूल खिला रहता है। और क्यारी में भी इस प्लांट को ज़्यादातर से डेकोरेट के लिए लगाया जाता है। आप अपने टेरिस गार्डन पे भी रख सकते हो, बालकनी गार्डन में भी रख सकते हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे की धूप भी इन प्लांट के लिए काफ़ी रहती है। पूरा दिन की धूप में भी ये ग्रो कर जाते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा डैफोडिल लिली प्लांट। ये ज़्यादातर आपको येलो कलर के ही देखने को मिलेंगे और इसका भी एक स्टेम पर एक ही फूल खिलता है। जैसे हरी प्याज होती हैं, हरी प्याज की पत्तियां होती हैं, सेम इसकी पत्ती हरी प्याज की तरह ही देखने को आपको मिलती हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 8750 का मिल जाएगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल लेओगे अगले साल ख़राब हो जाएगा, ये प्लांट जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा केल लिली प्लांट। केल लिली के फूल भी आपको ज़्यादातर येलो कलर के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें वाइट कलर भी होते हैं, कई सारे कलर के ये आपको मिल जाते हैं। केल लिली को भी आप पूरा दिन की धूप में रखिए, नहीं जल्दी से ख़राब होगा। 80 से 100 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। और बल्ब वाले हमारे जितने भी प्लांट होते हैं उनकी हमें मिट्टी वेल ड्रेन रखनी होती है, क्योंकि अगर बल्ब में नमी बनी रहेगी हर वक्त तो बल्ब अंदर ही मिट्टी में गल जाएगा। इसके लिए आपको 1 पार्ट सैंड 1 पार्ट मिट्टी एंड उसमें 1 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट और नीम खली भी 10% आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी मिट्टी बेस्ट तैयार होगी और प्लांट पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जब भी इन प्लांट को लगाएं तो कम से कम 1 वीक तक प्लांट को छाया में रखिए, उसके बाद आप धूप में शिफ्ट रखिए। नेक्स्ट है हमारा एशियाटिक लिली प्लांट। एशियाटिक लिली प्लांट जो होता है ये सर्दियों में फूल देता है और इसके भी एक सिंगल ही स्टेम होता है, लेकिन उस पर एक बार में ही 3 से 4 फूल खिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 100 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाएगा। और बल्ब आप जब भी लगाएं पॉट में थोड़ा नीचे की साइड लगाएं, क्योंकि इनके स्टेम्स जब निकलते हैं तो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, इसलिए बल्ब अंदर रहेगा तो स्टेम भी थोड़ा मिट्टी के अंदर रहेगा। तो आप नीचे की साइड बल्ब लगाइए, तब आपका बल्ब अच्छे से ग्रो होता है। आप बल्ब ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या फिर नर्सरी वाले से भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टाइगर लिली प्लांट। इसको टाइगर लिली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं उन पे काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन बना होता है, काफ़ी बारीक बारीक बिंदी की तरह डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और इस प्लांट को आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, पत्तियां कम आती हैं लेकिन फूल बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर, और इसके फूलों के कलर भी आपको कई सारे मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट आपको 150 का नर्सरी में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इनके बल्ब को भी ऑनलाइन या फिर कहीं से मंगा सकते हो। एक बल्ब लगा लोगे, हजारों बल्ब इनके पास से ही निकल आते हैं, तो आपके प्लांट ढेर सारे घर पर तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।